खिदराना, खिदराने दी टाप, फिर ईसर सर, चाली मुक्तियां दी धरती, श्री मुक्तसर साहिब, लासानी ते बेमिसाल दास्तान। करीब तीन सदी पिछे मुड़दे हां, जदों इत्थे रेत दे वड्डे टिब्बे सीगे, झाड़ियां वगैरह हुंदियां सन। उदों की सीगा कि तीन खत्री भरा इत्थे आके आबाद होई, खिदराना, रुपाना ते दिगाना। ते उन्हां तीन पिंड आबाद कीते अपने नामां ते। दरिया कंढ्यों चलिया सी इह लैंडलॉर्ड परिवार। तारीख की है, ए किवें बनिया मुक्तसर, पर चोल करते हाँ ओह वर्की। पहला ये भी दस दईए इस धरती दे बारे, ये भी एक मिथहास मशहूर है कि सतयुग जा फिर पूरब तारीख काल दे वक्त इत्थे शिव जी ने तप कीता सी। उदों तो ही यह इलाका खुशक जिहा ते पानी दी काट वाला मन्या जांदा रहा है। यह जिहड़े तीन खत्री भरा इत्थे आए सीगे, रुपाना, दिगाना ते खिदराना, ओ उपासक सीगे भगवान शिव दे, लैंडलॉर्ड सीगे ते रब नूं मन्नण वाले। खिदराना, रुपाना ते दिगाना ये पहला आबाद कित्थे सीगे, ये आबाद सन दरियाए सतलुज दे कंढे, जिते हुण जलालाबाद पछमी है। नेड़ले पिंड है बग्गे की उस साइड ते, उत्थे आबाद सीगे। ये हुंदा की सीगा, दरिया दे विच्चो हड़ वार वार तंग हुंदे ते उत्थों निकल के इत्थे आबाद हो गए। पानी दी भारी किल्लत उत्थे भी सीगी ते इत्थों दे नेड़ले इलाके च भी पानी डूंगा सीगा। खूह भी खुदवाए इन्हां ने, पर पानी खारा निकलिया। फिर की होया कि इन्हां ने तीन ढाब खुदवाइया, बारिश आउंदी ते पानी ढाब दे विच भर जांदा। उस ही ढाब ने लोकां दी त्रें बुझाई, पशु चारण दे लई चरांदा चंगियां बन गईयां। हौली हौली बड़ी मशहूर हो गई खिदराने दी टाप। हुण खिदराने दी टाप मुक्तसर, मुक्तसर दी गल करदे हां। श्री मुक्तसर साहिब, जिथे मुगल हकूमत खिलाफ श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी जंग हुई सी 1705 च, श्री आनंदपुर साहिब तो धर्म युद्ध करते हुए कलगीधर श्री गुरु गोबिंद सिंह जी मालवा वल पुजे। कोट कपूरे दे चौधरी कपूरे तो किले की मांग की। मुगलों का खौफ इतना कि उन्हें किला देन तो कोरी ना कर दी। ता गुरु जी अपने सिपाहियों के नाल, अपने सैनिकों के नाल खिदराने पुज गए। मुगल फौज भी पुज गई उत्थे, 40 महायोधे जेड़े गुरु जी का साथ छड गए सन, वह भी आ गए गुरु साहिब दे कोल सहयोग दे लई। जंग हुई, 40 सिंघां ने अगे वध के शहादत दित्ती। कलगीधर सच्चे पातशाह एक एक सिंह कोल गए, वर दित्ते। उस वक्त महासिंह अजय सिसकदा सी, होश च लिआंदा। गुरु साहिब ने वर मंगन दे लई कहा, महासिंह दे कहन ते गुरु जी ने टुट्टी कंड दित्ती। उत्थे बनवाया गया गुरद्वारा टुट्टी गंडी साहिब, जिथे गुरु जी दियां फौजां उन्होंने तंबू लगाए सीगे। उत्थे है गुरद्वारा तंबू साहिब। ते जेड़े टिब्बे ते बैठ के जंग लड़ी सी,
टिब्बी तो गुरु जी ने तीर नाल वार कीते सीगी उथे उथे है गुरुद्वारा टिब्बी साहिब। ते जिथे गुरु साहिब दे घोड़े दी रकाब टुटी सीगी उथे उथे गुरुद्वारा रकाबसर साहिब। इस जंग दे विच माता भाग कौर बहुत योगदान है माता जी का, उन्होंने याद च बनया गुरुद्वारा माता भाग कौर जी। जदों गुरु साहिब दलबान जंग मगरों दातन कर रहे सन तो एक मुगल पहरावा बदल के आया तो गुरु जी ते हमला करता, पर गुरु जी ने उन्होंने उत्थे ही डह ढेरी कर दिता उत्थे गुरुद्वारा दातन साहिब। ते जो गुरुद्वारा श्री दरबार साहिब के पछम वाल है दरवाजे के बिल्कुल मूहरे जिथे गुरु साहिब ने 40 मुक्तियां का अपने हाथी संस्कार किया सी उत्थे गुरुद्वारा साहिब है। ते ना है गुरुद्वारा शहीद गंज साहिब। इन्हां 40 मुक्तियां के कारण ही इस शहर का नाम पै गया मुक्तसर। खिदराना ने तो पिंड नूं अपना नाम दिता खिदराना, ते दूजे भरा रुपाणा ते दिगाना। दिगाना ने पिंड आबाद किया दिगाना, ते रुपाणा ने रुपाणा। लोग लाड़ दे नाल उहदा नाम पुकारदे सीगे रूपा। उही रुपाणा है जिथे श्री गुरु गोबिंद सिंह जी भी पधारे सन खिदराने दी जंग तो बाद। जदों मुगल फौज गुरु जी का पिछा कर रही सीगियां तो लोग डरते सीगे मुगलों तो, उदा ही रुपाणा भी डर गया तो उन्हें गुरु जी नूं रोक लिया, आखदा मेरे पिंड विच ना आओ, मुगल फौजां तुहाडे पिछे ही ने, जे वह आ गए तो मेरा पिंड भी उजाड़ देंगे तो पिंड नूं लुट भी लैणगे। गुरु जी ने रूपे दे दिल च वड़िया खौफ जान लिया ते फरमाया कि तेरा ए पिंड ता हमेशा आबाद रहेगा पर तेरा कुछ नहीं रहेगा। ओही वापरिया रूपे दे नाल, अज रुपाणा पिंड च रूपे दा कख भी नहीं है, ना तो हैगा रुपाणा पिंड आबाद है पर रूपे दा कुछ नहीं ते ना ही उसकी औला। एक गल होर भी है, वह की है कि इस जगह पर गुरु जी ने एक कोगर पंछी नू मार के उसनू जुनो मुक्त किया सी, जन्म मौत कट्टी सी उहदी। जदों सिख संगत ने गुरु जी नू पुछया तो गुरु जी ने दस्या कि यह घोगर पिंड दा शाहूकार सी, किसी वक्त ये बुरे कर्मा करके इस वाली जून नू भुगत रहा है। कन्या ने इसनू श्राप दिता सीगा कि जा काम दिया अन्या, तू अगले जन्म गिरदी दी जून भुगतेगा, कह के कन्या ने खुदकशी कर ली। ओही शाहूकार घोगर पंछी बनया ते हुण वह पछतावा कर रहा है जिस कारण उसनू मुक्ति दिती गई है। फिर गुरु साहिब उतों चले गए। इसे पिंड तो अगे कुछ विथ ते दूर पिंड आबाद है दिगाना, ते यह पिंड दिगाने ने आबाद किया सी, उहदे अपने ही नाँ ते है पिंड दा नाँ दिगाना। ते इधर मुक्तसर जिला है, ट्रेन भी जोड़ती है होरना इलाकों के नाल, ते ना अज है श्री मुक्तसर साहिब।